उसकी शक्ल देख लो प्यार वाले की भी और उसको देख लो, ये कहीं प्यार नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चालाकी है। बहुत हिम्मत, बहुत चालाक औरत है वो। चार पांच पासपोर्ट थे उसके पास। हाँ जी, वो चालाकी तो है, हमारे घर की औरतें तो कुछ जानती नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक ही बात नहीं है, अगर एक आ गया ना अगले आप मुसलमान आएगी, वो भी कहेगी मैं ही प्यार कर लिया हूँ। वो भी कभी वो ऑनलाइन से कहीं पेटीएम से कहीं उसमें प्यार हो गया, एक वो लफड़ा है। हमारी तरफ से तो जेल में डाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, उसे जेल में ही डालना चाहिए, उसकी सही जगह जेल है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मुकेश है जी। मुकेश जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से लगातार चारों तरफ एक ही मामला छाया हुआ है? सीमा हैदर आ गई, पाकिस्तान से आई है, सचिन से शादी कर ली है, कह रहे बहू आ गई, आप ही स्वागत करेंगे बहू आ गई? नहीं, ऐसी बहू का क्या स्वागत करना, ये बहू नहीं है, ये पाकिस्तान की कोई चाल निकलेगी। जिस तरीके से वो बोलती है, हिंदी बोलती है, हमें तो नहीं लगता कि वो कुछ ना कुछ, उसके बारे में अगर पता करोगे तो वो कुछ गलत ही निकलेगी। कुछ गलत ही निकलेगी, बिल्कुल 100% से बातचीत हो रही है, एजेंट हो सकती है, बिल्कुल पाकिस्तानी एजेंट निकलेगी। और देखने वाली बात है, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। ये हमारी सरकार की नाकामी है अगर वो अंदर ऐसे आ चुकी है तो जी। मैं तो बिल्कुल सरकार से अनुरोध करूँगा कि आप इसको पकड़ो, जेल में डालो और बहुत जल्दी इसके खुलासा करो। वो कह रही कि पबजी खेलते खेलते सचिन से प्यार हो गया उसको, आप भी पबजी खेले हैं कभी या नहीं खेले हैं? नहीं, वैसे मैंने पबजी कभी नहीं खेला हूँ, मगर ऐसे ये मानने वाली बात नहीं है ये। आप ये लव ट्रायंगल हो रहा है, कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से अगर बात करें, वहाँ से हैदर, यहाँ पे सचिन और बीच में सीमा, कह रहे हैं कि तीनों आपस में जो है ना वो पति पत्नी है। वो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम धर्म छोड़कर अब हिंदू धर्म में आ गई है वो, तो वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म वाले स्वागत कर रहे हैं इसका। देखो, अगर धर्म की बात करो, सनातन धर्म सर्वोपरि है, वो तो सबको पता है। वो इसको चुन के आ रही है तो एक अलग चीज़ है, बाकी हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो हिंदुस्तान के लिए खतरा है, ये सभी को मानना पड़ेगा, और सरकार इसके ऊपर जितना जल्दी उतना एक्शन ले तो बहुत अच्छा है। आपको कहाँ शक हो रहा है जिस तरीके से चारों तरफ बाइटें चल रही हैं उसके मीडिया में और सोशल मीडिया भी लगातार एक्टिव है, आपको कहाँ पर शक हुआ कि वो एजेंट हो सकती है? सबसे पहले बोलते हैं पांचवी पास है, इतनी अकल कहाँ से पांचवी पास में जाएगी? फराटेदार इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर भी आना, उसकी लैंग्वेज देखो, उसकी जो हम बोल रहे हैं वो यहाँ बोल रही है। आदमी अपने एक छोटे से शहर से भी दूसरे शहर में जाता ना तो एक एजुकेशन होती है उसको बोलने में। वो तो कह रही है कि मैं रहूँगी यहीं पर, चाहे मुझे जेल में डाल दो, चाहे मुझे मार दो ये सरकार द्वारा, लेकिन मुझे यहीं पर रहना, पाकिस्तान वापस नहीं जाना है। बच्चे जा सकते हैं अगर हैदर चाहे तो? देखो, वो सब भेजने का तो सरकार के हाथ में है। हमारी तरफ से तो जेल में डाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, उसे जेल में ही डालना चाहिए, उसकी सही जगह जेल है। अच्छा, बस मतलब प्यार कह रहे हैं कि प्यार कुछ नहीं है? नहीं है, ये सब प्यार व्यार कोई ड्रामा है, सब कोई प्यार व्यार नहीं है इसका। ये कह रहा है कि भाई मैं भी नहीं जाने दूंगा। पहले तो उसको ही देख लो आप, उसकी शक्ल देख लो प्यार वाले की भी और उसको देख लो, ये कहीं प्यार नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चालाकी है जो किसी के समझ में आने में थोड़ा देर लग रही है, ये बहुत जरूरी है। आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजय कुमार नाम है। अजय कुमार जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, जिस तरीके से चारों तरफ सोशल मीडिया पर सीमा हैदर छाई हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा अपना जो मानना, मैं मुकेश जी की कुछ बातों से सहमत हूँ, लेकिन मेरा अपना एक नज़रिया है, अगर वो रियलिस्टिक लेडी है और उसको प्यार भी हो गया और वो वापस सनातन धर्म अपना रही है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हजम नहीं हो रही। एक तो वो अपने को अनपढ़ बता रही है, अनपढ़ बताने के बावजूद आप देखिए मीडिया पे, मैं भी थोड़ा सा नर्वस हूँ, आम आदमी है, लेकिन वो मीडिया के सामने इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रही है जैसे उसको पढ़ा लिखा कर पूरा तैयार करके भेजा है कि मीडिया जब आपके ऊपर प्रश्न करेगी, छाएगी या आम पब्लिक में आप आओगे तो आपको क्या जवाब देना, आपके उनको आपको देखने में उनके चेहरे पर जरा शिकन नहीं लगेगी। अगर आप हमारी किसी लेडीज़ को यहाँ घरेलू देखें, चार आदमी खड़े हो जाएं बात करने, वो झिप जाएगी, क्या कहना है क्या नहीं कहना। आपको कहाँ पे शक हुआ सबसे पहले? मुझे शक उनकी एक तो बॉडी लैंग्वेज, अगर आप देखिए, ठीक है प्यार अंधा होता है सबको पता है, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, पबजी खेलते खेलते सीमा जी की आप बॉडी लैंग्वेज देखी या सचिन जी की बॉडी लैंग्वेज, दोनों को समांतर खड़े करें तो कहीं से कहीं तक मैच नहीं करें। प्यार अंधा होता है, किसी से भी हो जाता है, लेकिन आजकल जमाना इतना हाई हो चुका है, सब चीज़ हो चुकी है, जब आप वीडियो कॉल कर रहे हैं सब चीज़ दिख रही है, तो इतना अंधा भी नहीं है। जिस लेडी के चार बच्चे हैं और वो अपने देश की सीमा लांग कर दूसरी जगह आ रही है, तो इतनी अंधी भी नहीं है। वो तो चलो बात ठीक थी, लेकिन उसके आने से जिस तरीके से अगर हम बात कर ले, पाकिस्तान के डाकुओं के बड़ी बड़ी धमकियाँ आ रही हैं, वो डाकू धमकी दे रहे हैं कि भाई साहब हम जो हैं यहाँ पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनके मंदिरों को तोड़ेंगे, उनके साथ में गलत व्यवहार करेंगे,
उस पर क्या बनता है कि या उसको वापस भेज देना चाहिए या फिर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए आपकी जनता की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी मंदिर तोड़े ही जा रहे हैं। जब 1947 में बंटवारा हुआ था हम कितने परसेंट थे और आज कितने परसेंट पर आ गए हैं। कंटिन्यू आप देखिए न्यूज में आता है मंदिर तोड़ रहे हैं, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उन्हें तो जरा सा कोई भी मीडिया में कंट्रोवर्सी चाहिए हो और शुरू हो गए ताकि जिससे हम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर सकें। दूसरी बात रही सीमा हैदर की, मेरा अपना ये मानना है कि इस विषय के ऊपर उनकी गहन जांच होनी चाहिए और अगर वो निष्पक्ष हैं तो सचिन के साथ रहने की परमिशन मिले, अगर नहीं है तो इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही। नागरिकता मांग रही है ना वो तो? नहीं मांग रही है, उनके मांगने से नहीं मिल जाएगी, तो हमारे प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अभी तक? अभी तक ये है कि देखिए कांवर का समय चल रहा है और फिर सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मुद्दा। अभी उसको मीडिया हैंडल कर रही है, योगी जी ने भी जांच बिठा रखी है, हमारे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात आई है, तो इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। बिना कार्रवाई जरूर होगी। आपका क्या नाम हुआ जी? महेश प्रसाद। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान से सीमा हैदर आई है, अब कह रही है कि वो हिंदू बन गई है और वो यहीं पर रहेगी, यही रहना चाहिए या भेज देना चाहिए वापस? मुझे कह रहे हैं कि एक ही बात नहीं है, अगर एक आ गया ना अगले आप मुसलमान जाएगी वो भी कहेगी मैं ही प्यार कर लिया हूँ, वो भी कोई ऑनलाइन से कहीं पेटीएम से कहीं उसमें प्यार हो गया, एक वो लफड़ा है, एक आ रही फिर लगातार आने लगेगी, लगातार आने लगेंगे, एक होगा कि प्यार के चक्कर हम भी प्यार कर रहे हैं तो क्या करोगे? कह रहे हैं गदर बन गई, गदर थ्री बन गई, ये कह रहे हैं कह रहे हैं, तो एक के चक्कर में फिर कितना बहुत आ जाएगी। पाकिस्तान की भी लड़की बहू बना ली इंडिया वालों ने, वो तो सही है बना ली कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसका सही निकल रहा है उसको। हाँ, सही नहीं लग रहा। आपको क्या लगता है भाई साहब? पता नहीं। अच्छा आप कैसे देखते हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से तारा पाकिस्तान से सकीना को लेके आ गया था, ऐसे ही जो है वो अब सकीना के रूप में सचिन से मिलने के लिए, सचिन के साथ रहने के लिए सीमा आ गई है, आपको नहीं लगता प्यार हो सकता? पाकिस्तान से आ गया था वो गदर मूवी में था। हाँ। और पहली बात तो जो सकीना जो है ना वो भारत में ही थी पहले। हाँ। भाग के नहीं गई थी उल्टा जो है। हाँ। वो वहाँ से भाग के यहाँ आई है पाकिस्तान से। हाँ। तो उससे तो मैचिंग करना बेकार है। हाँ। ये जो प्यार का जो नौटंकी चल रही है ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और लोग समझ ही नहीं रहे हैं, सबको प्यार लग रहा है, मुझे तो इस प्यार पे कोई भरोसा नहीं है, ऐसा प्यार किसी काम का नहीं है। ऐसा प्यार किसी काम का नहीं। आपका क्या नाम हुआ? इधर आइए एक मिनट। क्या नाम हुआ आपका? हाँ बोलिए। क्या नाम तो बताइए? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान की महिला यहाँ पर आ गई है भारत में? जाना तो बड़ी अच्छी बात है, हमें क्या लेना, हमें कोई लेना नहीं देना नहीं। अरे पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं है? कुछ नहीं लेना, मजदूर आदमी को खाने को तोड़ दे रही है। अच्छा है, ये बताए मजदूरी करते मजदूर मिलती नहीं और क्या करेंगे? मियाँ बीवी के राजी से क्या करेगा काजी? लेकिन वो तो पाकिस्तान की है ना भाई, प्यार मोहब्बत जब दोनों के प्यार पाकिस्तान से आई है ना। हाँ तो बेटे तुम कहीं से भी आई है बेटे, एजेंट हो सकती है वो ISIS की। ये गवर्नमेंट अपने तहकीकात कर रहे, पूरी तसल्ली कर रहे बेटे। आपने आप क्या चाहते हैं, वापस भेज देना चाहिए? नहीं बेटा, बहू बना लेना चाहिए भाई, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई। हाँ नहीं, 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 जो हमारे कहने से क्या होगा, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी, हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होना था। जनता क्या चाहती है वो तो कर देंगे जो चाहेंगे, आपके मन में क्या है? आप क्या चाहते हैं? मजदूर मिल लेना चाहिए। अच्छा मजदूर मिलनी है, मजदूरी इतनी कम हो रही है। मजदूरी पर भी बात करेंगे, अभी सीमा पर बात कर रहे हैं। क्या लगता है भाई? बस देखो क्या बताऊँ मैं, क्या कह सकता हूँ, एक तरह से अच्छा भी है नहीं भी अच्छा, दोनों बात हैं। पाकिस्तान वाले धमकी दे रहे हैं कि अगर उसको नहीं भेजा वापस तो यहाँ के जो हिंदू हैं उन पर हमला करेंगे हम। मुसलमान वो गलत कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, मैं गलत कर रहे हैं, वो तरीका अच्छा नहीं है उसका। जब मियाँ बीवी की राजी से क्या करेगा, ये तो उसकी मर्जी है। राजी कर देगा हमला फिर? काजी कर देगा हमला? जो मियाँ बीबी की राजी आप कह रहे हो कि क्या करेगा काजी? काजी कह रहे हैं कि हमला कर देंगे हम। अजी ऐसे कैसे कर देगा हमला? हाँ अजी ऐसे नहीं हो सकता। वापस भेज दे फिर। हैं? वापस भेज दे भैया। वापस आपके हिसाब से वापस जाना चाहिए? वापस जानी चाहिए। जो सरकारी नियम जो सही निकले वो होना चाहिए। सरकारी कागज जो सही हो वो होना चाहिए। सरकार जो करे वो सही करे। जो कागज जो सही है, क्या गलत है, क्या गलत है, देख के सही करना चाहिए। अगर सही है तो रख लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सीमा हैदर चारों तरफ छाई हुई है, सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है, मीडिया पर लगातार चल रही है, तो क्या कैसे देख रहे हैं आप उसको? सर मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से ये महिला आई है पाकिस्तान से, पहले सऊदी गई है, उसके बाद ये नेपाल के थ्रू फिर भारत में आई है, तो इसका जो माइंड है, माइंड जो है इसका
मतलब अच्छा माइंड यूज करके आई है, कैसे कोई नॉर्मल पर्सन नहीं आ सकता। बातचीत हो रही है कि एजेंट हो सकती है, हो सकती है आपसे इस चीज के लिए मैं एग्री हूँ, बिल्कुल हो सकती है। हमारी घर की औरतें तो बहुत चालाक है, होशियार है वो, तो हमारी घर की औरतें तो बाहर भी नहीं जा सकती घर से बिना मर्जी के, घर के मेंबर के बेटे वो बहुत चालाक होशियार औरत है वो, चालाक। हाँ जी, चार चार बच्चे लेके आई। हाँ, चार बच्चे साथ में, बहुत हिम्मत, बहुत चालाक औरत है वो। चार पांच पासपोर्ट थे उसके पास। हाँ जी, वो चालाकी तो है, हमारे घर की औरतें तो कुछ जानती नहीं है। जानती नहीं है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, वो कह रही है कि मैं प्यार में आई हूँ, पबजी खेलते खेलते मुझे प्यार हो गया था। देखिए, पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके का माइंड यूज करा गया है इसमें, चार बच्चों को लेके यहाँ आना कोई छोटी बात नहीं है जी। है ना, कोई भी मतलब इतने लेवल पर नहीं सोच सकता जिस लेवल पर उस महिला ने सोचा है। मतलब एक भारत में एंट्री करने का क्या उसने एक नया तरीका ढूंढा है, है ना, क्योंकि उसे पता है नॉर्मल तो मैं आ नहीं सकती हूँ, तो इसलिए इसने हमारे यहाँ के पहले लड़के को फंसाया, प्यार का नाम दिया उसे, और उस तरीके से वो सऊदी होते हुए फिर नेपाल आई है, उसके बाद वो आई है, उसके बाद वो आई है ना, वापस भेज देना चाहिए यहीं पर। बिल्कुल भेज देना चाहिए, और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जांच पड़ताल बैठनी चाहिए। तो कह रही कि मैं यहीं रहूंगी, चाहे मुझे मार दो, मैं जेल में डाल दो, लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, जेल में डाल दो, जेल में ज़्यादा बेटर है। पता चलेगा उसका, अब नहीं चलेगा, छः महीने बाद, साल भर बाद, उसका सब जो भी काला चिट्ठा हुआ सब खुलेगा, सब खुल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा धीरज नाम है सर। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से चारों तरफ सीमा हैदर का नाम छाया हुआ है, स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, कैसे देख रहे हैं आप इसको? पाकिस्तान से एक महिला आ गई, अब यहाँ पर कह रही है कि मैं यहीं पे रहूँगी और वो सचिन के साथ में शादी कर रही है। गलत है यार। हाँ। हमारे हिसाब से तो गलत है भाई। हाँ। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एजेंट भी हो सकता है। हमारा कोई मतलब ना, क्या पता हो सकता है भैया एजेंट हो, कुछ भी हो सकता। उसको वापस भेज देना चाहिए, यहीं पे रखना चाहिए वापस। बिल्कुल भेजो, बिल्कुल भेजो भाई साहब, बिल्कुल भेजना चाहिए। बिल्कुल, जनता यही कहती है कि भाई साहब पूरी तरीके से कार्रवाई हो और खुला ना छोड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, भेजो उसे वापस। गलत तरीके से आई है, बिल्कुल गलत है। चलिए, और लोग महिलाओं से बातचीत करें। आपका क्या नाम हुआ जी? सुमन। सुमन जी, पाकिस्तान से एक महिला आई है जिसका नाम है सीमा हैदर, आपने नाम सुना होगा। अच्छा। वो यहाँ पर आकर कह रही है ग्रेटर नोएडा के गांव में। अच्छा। कि वो सचिन से प्यार करती है और वो शादी कर चुकी है पशुपति मंदिर में नेपाल में। अब वो ये कह रही है कि क्या कहते हैं, मैं यहीं पे रहूँगी हिंदुस्तान में ही, तो क्या रहना चाहिए या फिर भेज देना चाहिए? वहीं पर भेजना चाहिए उसके बच्चों के पास। अच्छा। हाँ जी, बच्चे तो लेके आइए साथ में। नहीं देखो, जब उसका पति है तो वहीं जाना चाहिए ना उसको। वो कह रहे पति छोड़ दिया मैंने, अब वो पहले मुस्लिम थी अब वो हिंदू बन गई। गलत बात है। हा? गलत बात है, गलत है। लोग कह रहे हैं कि भाई वो एजेंट भी हो सकती है, पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, क्या आपका खुफिया एजेंसी से आई? हाँ, नहीं भैया, समाज के लिए बिल्कुल गलत है। गलत है, तो वापस भेज दे या जेल में डाल दे? नहीं, भेज दो, भेज दो, भेज देना चाहिए। हाँ, चलिए, तो देखिए लगातार जनता से हमने बातचीत करी है और जनता ने अपनी राय रखी है कि सीमा को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, उसकी शादी उसको करवा के सचिन के साथ में नागरिकता दे देनी चाहिए या फिर उसको वापस भेज देना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लगातार ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।